हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज पास्ता बनाने की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे तेल में सबसे पहले हरी मिर्च डाला है, फिर प्याज डाला है और इसको हम ब्राउन होने तक फ्राई, ब्राउन नहीं हल्का सॉटे कर लेंगे जिससे प्याज का कच्चापन निकल जाए। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं प्याज के साथ। अब मैं यहाँ पर वेजिटेबल कट करके रख ली हूँ। मैंने वेजिटेबल में शिमला मिर्च, कैबेज, कॉर्न और टमाटर लिया है। आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज हमारा हल्का सॉटे हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी वेजिटेबल। तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कैबेज डालूँगी। अब हम सब्जियों को थोड़ा भून लेंगे जिससे उसका कच्चापन निकल जाए। और यहाँ अब मैंने यहाँ पे पास्ता को बॉईल करके रख लिया है और ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। उसके बाद तो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा आपको पसंद है आप नमक डाल लीजिए। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, फिर थोड़ा उसे पकाएँगे। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा चिकन मसाला और हल्दी पाउडर। आप यहाँ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मेरे पास चिकन मसाला था तो मैंने चिकन मसाला डाल दिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन मसाला का। अब हम इसे 2 मिनट तक भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस और फिर टमाटो सॉस। इन तीनों को डाल के फिर हम फ्राई कर लेंगे थोड़े देर तक। फिर हम इसमें डालेंगे कॉर्न। मैंने ये फ्रोज़न कॉर्न लिया है, तो ये इसे डालने के बाद हम थोड़ी देर तक इसको पका लेंगे। ये ऑलमोस्ट पका हुआ रहता है, बस थोड़ा पकाना होता है इसको। तो ये 2 मिनट तक हम पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे और पास्ता को अच्छे से मिलाएंगे और 2 मिनट तक पास्ता को पका लेंगे हम। फिर हम इसमें डालेंगे ओरिगैनो डालेंगे, फिर हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। ओरिगैनो डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये सबसे इजी एंड क्विक रेसिपी है जो 5-10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर अपने घर में ये रेसिपी। तो देखिए पास्ता बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।